Good morning students, how are you all? I hope you all are doing good. So let's start today's class. हमने last class में क्या पढ़ा था? Chapter number 5, गड्डू गधा. इसमें एक व्यापारी था, उसके पास एक गधा था जिसका नाम था गड्डू. व्यापारी एक जगह से सामान लाता और दूसरी जगह बेच देता, है ना? एक दिन व्यापारी ने बहुत सारा नमक खरीदा और गड्डू की पीठ पर रख दिया, जिसका भार बहुत अधिक था. गड्डू से चला भी नहीं जा रहा था. फिर वे दोनों एक नदी पार करने लगे और अचानक से गड्डू उस नदी में गिर गया, जिसमें नमक पूरी तरह पानी में घुल गया. और गड्डू खुश हुआ कि यह भार तो बहुत कम हो गया है. अब हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ इस स्टोरी में. कुछ दिन बाद व्यापारी फिर गड्डू के साथ नमक खरीदने गया और उसने नमक बहुत सारा नमक खरीदा जिसका भार बहुत ज्यादा था. फिर गड्डू ने सोचा कि मैं यदि नदी में गिर जाऊंगा, तब पानी में गिर जाऊंगा तो यह भार फिर से कम हो जाएगा. तो गड्डू जानबूझकर पानी में गिर गया और उसका भार कम हो गया. फिर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया और बोला कि मैं किस आलसी गधे को सबक सिखाऊंगा, इसने मेरा बहुत नुकसान किया है. व्यापारी ने रुई खरीदी, रुई मीन्स कॉटन, है ना, और उसकी पीठ पर रख दी जिसका भार बहुत कम था. तो गड्डू सोच लगा इसका भार तो बहुत ही कम है, यदि मैं इसे पानी में भिगा दूंगा तो इसका भार तो और कम हो जाएगा. फिर से वे दोनों उस नदी को पार करने लगे और गड्डू जानबूझकर फिर पानी में गिर गया, जिससे रुई में धीरे धीरे पानी भरने लगा और वह पूरी तरीके से गीली हो गई. तभी गड्डू ने सोचा, अरे ये या क्या हुआ है, इसका भार तो इतना कम था, अब इतना ज्यादा कैसे हो गया? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रुई ने पानी को सोख लिया था, है ना, जिससे रुई भारी हो गई. जैसे तैसे करते करते वह घर पहुंचा, क्योंकि गड्डू उस वजन के कारण बहुत ही थक गया था, उसे घर तो जाना ही था. तो वो धीरे धीरे पैरों से घसीटते हुए घर पहुंचा, है ना. तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी काम में आलसी नहीं करना चाहिए. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड. थैंक यू.